अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है, तो क्या सुसाइड जस्टिफाइड है? क्योंकि टेम्परेली ही सही, बट उसको फ्रीडम तो मिल जाती है अपने पेन और सफरिंग से। ये आपका सवाल है। सुसाइड में तो एक पूरा का पूरा आदमी आप डिलीट कर देते हैं। लेकिन एक बात बताइए, मान लीजिए आपकी उंगली बहुत तेज़ दर्द कर रही है, तो क्या इसको काट के फेंक देना चाहिए? तो कब फेंकना चाहिए काट के? हम लोग बहुत बार उंगली काटते हैं, हाथ काटते हैं, डॉक्टर्स काटते हैं, एम्पिटेशन बोलते हैं हम लोग, तो पैर भी काटते हैं। अभी पिछले हफ्ते एक पेशेंट आई थी, उसका बहुत सीवियरली पेन दर्द कर रहा था, पैर दर्द कर रहा था। मैं डॉपलर करने गया था उसका, और उसका उसके बाद एम्पिटेशन होने वाला था। तो कब काटना चाहिए कोई बॉडी का हिस्सा? पैर, हाथ? ऑब्वियसली गर्दन तो नहीं काटेंगे। आप पूछ रहे हैं गर्दन काट दें कि ना काट दें? नहीं, आपने गर्दन काटने के लिए नहीं पूछा, आपने जो सुसाइड करे कि ना करे, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेन है, तो पैर बहुत तेज़ दुख रहा है उसका, तो बताइए पैर काट के फेंके कि ना फेंके? आपने एकदम लॉजिकल बात कही कि जब आदमी का पैर बहुत तेज़ दर्द कर रहा है, तो आप ये देखिए कि पैर बच सकता है कि नहीं बच सकता है। उस पेशेंट का इंडिकेशन क्या था एम्पुटेशन करने का? डॉपलर में मैं खून की नसों को स्टडी करता हूँ कि उसके अंदर बहाव है कि नहीं है, अगर बहाव है तो कितना है। अगर मान लीजिए मेन आर्टरी जो खून सप्लाई करती है, अगर वो नहीं सप्लाई कर रही है, तो बहुत बार टर्शरी आर्टरीज होती हैं, वो खून सप्लाई करती हैं, तो भी जान होती है। लेकिन उस पेशेंट की जो पैर थे, वो पूरी तरह से बदबू कर रहे थे, जैसे कोई डेड बॉडी हो वैसा। लास्ट का केवल एणी तक था बस। उसको हम लोग बोलते हैं गैंग्रीन, उसको पैर का सड़ना बोलते हैं। बदबू आ रही थी, बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो उसके पैर को काटा गया है दो वजह से। और पहला वजह पेन नहीं था। पहला वजह यह था कि अगर वो गैंग्रीन को नहीं काटा जाता, जो शुरुआत हुई थी एक अंगूठे से हुआ था, फिर अंगूठा बढ़ते बढ़ते पूरा एड़ी हो गया, एड़ी बढ़ते बढ़ते घुटने तक आ जाता, घुटने से बढ़ते बढ़ते पूरा पैर काटना पड़ जाता। तो किसी को भी कब मारना चाहिए? जब उसकी वजह से आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उसमें भी ये सुसाइड नहीं होता। ये तो एक तरह से उसको गवर्नमेंट सजा देती है कि भाई इसको फांसी दो, क्योंकि ये आदमी बहुत लोगों को मार रहा है। ऐसे हिटलर जैसे लोग अगर हों जो बहुत ज़्यादा खूनी हैं, उनको मारा जाता है पकड़ कर, या तो जेल डाल दिया जाता है। लेकिन जब कोई आदमी खुद बहुत दुखी और परेशान है, तो क्या उसके लिए सुसाइड जस्टिफाइड है? जब वो मर ही जाएगा, तब तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो हम पेन नहीं ख़त्म कर रहे हैं। हमको लगता होगा कि कोई मर जाएगा तो पेन ख़त्म हो जाएगा, पेन ख़त्म कर ही नहीं रहे हैं। इनफैक्ट हम क्या कर रहे हैं? अगर कोई सुसाइड करना चाहता है और हम उसके बारे में ये पूछ रहे हैं कि जस्टिफाइड है, तो हम एक तरह का वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं। वायलेंस समझते हैं? जैसे एक बाप बोले कि मेरा बेटा अगर बहुत परेशान कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, अच्छे नंबर नहीं ला रहा है, तो क्या मैं उसको चार झापड़ मार सकता हूँ? अब बोली ठीक है मार दो। अच्छा, चार झापड़ मार लेगा वो। फिर बोलेंगे अच्छा, चार झापड़ से भी नहीं मान रहा है, तो क्या 50 झापड़ मार सकता हूँ? अब बोलेंगे मार लो भाई, जस्टिफाइड है, क्योंकि पढ़ाई के लिए मार रहे हो। और अगर 50 झापड़ से भी नहीं मान रहा है, तो क्या मैं उसको आयरन के रॉड से सर पीट सकता हूँ, उसका सर फोड़ सकता हूँ उसके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है, उसका बाप परेशान है। तो एक बात सोचिए, लोग परेशान होते हैं, बहुत से लोग कम परेशान होते हैं, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कैसे पता चलेगा कि किस आदमी की परेशानी सुसाइड करने के लायक है और किसकी जस्टिफाइड नहीं है? क्योंकि छोटा बच्चा होता है, उसका वीडियो गेम के लिए मोबाइल नहीं दिया जाता तो सुसाइड कर लेता है, और कोई आदमी इम्तिहान में फेल होता है तो सुसाइड करता है, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती तो सुसाइड कर लेता है। तो कैसे पता चलेगा कि किसी की पेन या सफरिंग इतनी ज्यादा है? एक क्वेश्चन ही उल्टा है। जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को पूछते हैं, तो हम एक ऑप्शन ले आते हैं, एक गलत चीज को सही मानने का ऑप्शन। डेथ अपने आप में सफरिंग है कि नहीं? जो कोई मरता है, हमारे आसपास का कोई मरता है, तो वो सफरिंग है। तो जब किसी और की डेथ सफरिंग है, तो हमारी डेथ सफरिंग क्यों नहीं होगी, हमारे लिए भी और हमारे आसपास के लिए भी? पर जो आदमी इस तरह की चीज़ें सोचता है, सुसाइड करना है, सुसाइड करने से मेरा प्रॉब्लम्स कम से कम टेम्परली सॉल्व हो जाएगा, उस आदमी की जो ब्रेन की थिंकिंग प्रोसेस है, वो पूरी तरह से ट्विस्टेड है, कुरूप है, कुंठित है, परेशान है। ऐसे आप कंप्यूटर को चलाने की कोशिश करिए और कंप्यूटर ठीक से काम ना करे, आप 1+1 2 लिखिए, 2 आना चाहिए, लेकिन आंसर आ रहा है 200,
ऐसे ही किसी आदमी के ब्रेन में जब ये थॉट प्रोसेस चल रहा है कि मेरी परेशानी ख़त्म हो जाएगी जब मैं सुसाइड कर लूँगा, तो उसने वो अजीबोगरीब चीज़ सोच रहा है। वो उसका पर्पज़ ये होना चाहिए कि सफरिंग को समझे कि क्या है सफरिंग। ये तो वो आदमी पूछ रहा है जो शुरू से ही या कब से पता नहीं उसने भागना सीखा है। बहुत बार उसको जब पेन आया, सफरिंग आया, तो भाग गया, टीवी देखना शुरू कर दिया, दोस्तों के साथ टाइम पास करना शुरू कर दिया, बट अल्टीमेटली वो भागना उसको आसान लगता है। और धीमे धीमे, सफरिंग बड़ी छोटी नहीं होती है, सफरिंग के प्रति जो हमारा रवैया होता है वो बड़ा या छोटा होता है। मैंने कहानियाँ सुनी हैं जिसमें कि वशिष्ठ मुनि के बच्चों को मार दिया था विश्वामित्र ने, गर्दन काट के लटका दिया था उनके यहाँ, क्योंकि विश्वामित्र को डाउट था कि ये आदमी दिखाने के लिए कहता है कि मैं साधु हूँ, लेकिन असल में इतना साधु है, तो देखते हैं इसकी हालत कैसी होती है, जब इसके बच्चे मरेंगे तब पता चलेगा। वशिष्ठ मुनि कहते हैं ब्रह्मज्ञानी थे, एनलाइटन मास्टर थे, जो उन्होंने बच्चे को देखा तो वही उतारा, बच्चों को उतारा, जाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। और अपनी वाइफ से बात कर रहे थे कि बेचारा विश्वामित्र ने मारा है, उसके सर पर पाप चढ़ा होगा, और पीछे से वो झांक रहा था विश्वामित्र, और ये सब उनको पता था, ये सब ज्ञानी थे, वो समझते थे, तो आंसू निकलने लगे बेचारे के। और ये सब क्यों कर रहे थे विश्वामित्र? क्योंकि उनको ऋषि बनना था, ब्रह्म ऋषि बनना था, क्योंकि उनको चाहिए थी वो गाय। कौन सी गाय? कामधेनु गाय, जो सारी इच्छाएं पूरी करती है। तो जो आदमी ये कह रहा है कि मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, मैं सफ़र कर रहा हूँ, मुझे सुसाइड करना है, तो वो केवल क्या कर रहा है, वो टाइम भी बाय आउट नहीं कर रहा है, वो अपनी चीज़ों को, अपने बॉडी और माइंड को और सड़ने के लिए ऑप्शन दे रहा है डेथ के थ्रू। वो मरेगा, और जैसे ही वो मरेगा सुसाइड करने के बाद, वो एक अंधेरे में चला जाएगा। जिस समय आप सब कुछ देख रहे हैं, अपने थॉट्स को देख रहे हैं, अपने बिहेवियर को देख रहे हैं, लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप को देख रहे हैं, कुछ देना चाहते हैं वो नहीं ले रहे हैं, कुछ लेना चाहते हैं वो नहीं दे रहे हैं, इस कंडीशन में जब आप अपने माइंड को, अपने सफरिंग को नहीं समझ पा रहे हैं, तो जब आप अपने आप को एक अंधेरे कुएं में डाल देंगे, डेथ मतलब एक अंधेरा कुआं जिसके बारे में आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्या वहाँ पर आप बहुत समझदार हो जाएंगे? जितने भी आपके भूत प्रेत होते हैं, दे आर डिग्रेडेड, कन्फ्यूज्ड, सड़े हुए मॉलिकुलर बॉडीज। ये खुद तो परेशान होते ही होते हैं। देखा नहीं, कोई सीरियल देखा होगा, काफ़ी कुछ वैसा होता भी है। आप जा रहे हैं रास्ते पर, बगल में कोई भूत खड़ा है, वो क्या है, या तो उसको किसी ने मार दिया है, या तो उसने खुद सुसाइड कर लिया है। एक इच्छा ना पूरी हुई स्टेट, जो मरता है वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, एक इच्छा ना पूरी हुई स्टेट है वो। जैसे पॉलीथीन, ढेर सारा पॉलीथीन फेंक दीजिए कहीं तो सैकड़ों साल के लिए इकट्ठा रहता है। समुंदर में फेंक दीजिए आप पॉलीथीन, आज उसकी वजह से ढेर सारी मछलियाँ मर रही हैं, टॉर्टोइज मर रहे हैं, पूरा बायो डिग्रेड हो रहा, ख़राब हो रहा है। क्यों? बिकॉज एक ऐसी स्टेट है जो अपने आप में डिस्टर्बिंग स्टेट है, और वो फैली हुई है। अगर प्रॉब्लम है तो उसको स्टडी करिए, उसको ख़त्म करने के बारे में सोचिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सुसाइड कर लूँ क्या, ठीक रहेगा, तो चौकन्ने हो जाइए, अपने आप को बोलिए, अरे ये क्या चल रहा है। सोचिए आपके मन में कभी ये थॉट आए, मार दूं क्या अपने पापा को। एक एक आज किसी ने कॉमेडी शेयर किया मुझसे, कॉमेडी वाला नहीं आता वो जो माइक लेकर बच्चे कॉमेडी करते रहते हैं, उसमें एक चुटकुला था, कहीं पॉन्ड बच्चे ने देखा तो बोलता है, मैं पॉन्ड देख रहा था, मेरे पिताजी मेरे कमरे में आ गए, और फिर मेरे पिताजी मुझे बोलते चल तू मेरे साथ चल, एक लॉन्ग ड्राइव पर लेकर गए, और मुझे लगा शायद वो मुझे मार देंगे, तो फिर बोलता है मैं अपनी सेफ्टी के लिए चक्कू लेकर जेब में रख लिया, कि मैं कटर रख लिया जेब में, अगर मुझे मारेंगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये सब चीज़ें कॉमेडी कर रहा था, लेकिन कम से कम सोचा तो उसने, मुझे मेरे मन में आ जाए कि मैं मार दूं इनको। जब आप दूसरों को मारने के बारे में सोचते हैं, ऐसे ही आप खुद को मार दूं, ये सब चीज़ें। अब थोड़ा सा नॉर्मल स्थिति की, अभी तो हम लोग कोई परेशान नहीं है, आप भी परेशान नहीं, मैं भी परेशान नहीं हूँ, एक नॉर्मल तरीके से सोचिए कि यार ये लकड़ी ख़राब हो गई है, इसको जला देते हैं। देखिए, लकड़ी ख़राब हुई है तो आप दूसरी अलमारी बना लीजिए, किताब फट गई तो दूसरी किताब ले आइए, लेकिन उसको टॉर्चर करना क्यों? क्या ये हेल्दी लगता है आपको? सर सुसाइड कर लेते हैं सर, आज मन नहीं कर रहा है, आज बोर हो गए हैं सर, आज पिक्चर भी अच्छी नहीं थी, हम तो बड़ी अच्छी पिक्चर सोच के आए थे, गेम एंड एवेंजर, और बेकार पिक्चर आई, चलिए सर सुसाइड कर लेते हैं, अगले जन्म में देखते हैं अच्छी पिक्चर बनेगी। तो ऐसे ही, दीज आर वेरी स्टूपिड थॉट प्रोसेस, आई वॉन्ट पीपल टू रिकॉग्नाइज दिस। जब आप पहचानना शुरू करेंगे, तभी आपके अंदर में विजडम की शुरुआत होगी।